हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरलैब ईवीज के इस एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस गाड़ी को डिसेंबल। जैसा कि कुछ वीडियोस में पहले ही आपको बता चुके हैं कि अब आने वाले टाइम में हम इस गाड़ी के ऊपर काम करेंगे, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए इसके सारे पैनल को हमें अलग करना होगा ताकि हम समझ पाएं कि हमें किन किन जगह पर काम करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो वैसे इसको डिसेंबल करने के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास में वेरिएबल पाना और स्क्रू ड्राइवर और बहुत सारी छोटे छोटे टूल्स हैं जिनकी सहायता से इन सारे पैनल्स को हम अलग करने वाले हैं। और गाइस, इस काम में हमारे साथ में अशोक गौर जी भी हैं जो यूपीएस और इन्वर्टर के काफ़ी ज़्यादा माहिर व्यक्ति हैं और इस गाड़ी के रिस्टोरेशन में भी हमारे साथ में रहने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने इसका जो बैटरी वाला जो केबिन है या बैटरी पैक जिसमें लगा हुआ था उसको हमने अलग कर दिया, बड़ी आसानी से अलग हो गया है। अब उसके बाद में एक एक करके पैनल हम इसके खोलने वाले हैं। सबसे पहले गाइस, हम इसका जो फेस या जिसको मेन फ्रेम कहें उसको खोल लेते हैं। और इसमें बस एक नट आगे से खोलना होता है, बाकी सब तो इसमें अनलॉक ही है। इसको अलग कर लिया है। उसके बाद में अब ये एक एक करके खोलेंगे तो ये बिल्कुल साइकिल जैसी हो जाएगी। और अब हाँ, इसके बुशिंग का वैसे तो मैंने काम थोड़ा सा किया था तो ये ठीक ठाक हो गया था। हैंडल की बुशिंग, एक और यहाँ से सामने नट लगे होंगे इस तरफ, पीछे की तरफ यहाँ नट लगे हैं इसमें, इस तरफ ये देखो ये नट लगे हैं आराम से। सेम नट इस तरफ भी होगा और ये नट खोलते से आप देखिए कि पूरा का पूरा जो एक इसका जो फ्रेम है वो बाहर निकल आया है। अब इसके बाद में हम खोलते हैं इसका ये मास्क। मास्क को खोलने के लिए अच्छा, वो मास्क के लिए ये दो नट। ये लाइट का मास्क अच्छा है वैसे, ये चीज अपन यूज कर सकते हैं। ये मास्क हमारा खुल गया है और यहाँ से हमने बस एक इसका कपलर खोलना है और ये निकल गया। मास्क भी अलग हो गया हमारा। अब हम ये ऊपर वाले हिस्से को भी खोल देते हैं जिसमें पूरा मीटर कंसोल फिट है। यहाँ से बस इसका मेन लूम ये खोलना है हमें। बिल्कुल पूरा का पूरा बाहर आ गया। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे वायरिंग में उलझी हुई हैं बस, और ये हम अलग कर देंगे इसको। हाँ, खींच तो बस। और ये हमारा मेन मीटर कंसोल भी अलग हो गया है। यहाँ पर हम निकाल चुके हैं ये सारे सामान इसके, ये भी किसी काम का नहीं है तो सब चेंज करना पड़ेगा अपने को। ये अलग होगा। हाँ ठीक है, रहने दो, छोड़ो उसको, रहने दो, बाद में कर देंगे इसको। ये खोल लूँ ये? हाँ ये भी खोल। इसको खोलने के लिए हैंडल खोलना पड़ेगा तुमको पहले, तब ये बाहर निकलेगा और फिर ये निकल पाएगा। चाबी चाहिए? तेरी गाड़ी चाबी है मेरे पास निकालने के लिए। गाइस, हमने वायरिंग लूम वैसे इसका ज़्यादा बड़ा है नहीं है, बस हमने दो एक जो कपलर थे वो निकाले हैं। और ये वायरिंग लूम यहाँ का इसका अलग हो गया, और ये नीचे वाला वायरिंग लूम एक अलग होगा, इसको भी हम अलग कर लेंगे। तो गाइस, इस गाड़ी में से हमने फिलहाल ये जो सामने का जो पूरा सिस्टम है वो सब निकाल दिया। अब इसको निकालने के लिए हमें पहले इसका जो हैंडल है, हैंडल बार खोलना पड़ेगा ये नट, जब इससे हैंडल बाहर निकलेगा फिर उसके बाद में ये पैनल निकलेगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे ये पीछे वाला सेक्शन। फिलहाल हम निकाल रहे हैं इसका जो लॉक सिस्टम था उसको, लॉक तो उसका खराब है। ये जो है हमारा निकल चुका है। इस वायर को यहाँ से काट देना चाहिए अपने को ताकि वायर काम आ जाए।
ये देखेंगे, हो सकता है पूरा ही सिस्टम काम आ जाए। तो गाइस फ्रंट सेक्शन खोलने के बाद में अब हम आ जाते हैं थोड़े से रियर सेक्शन पे। सबसे पहले हम इसी को खोल डालते हैं। एल्युमिनियम है ये, बस उसके बाद में ये उठ जाता है पूरा ऐसे। सीट को खोलने के लिए गाइस ये दो नटों की जरूरत पड़ेगी, जिनको मैं हाथ से ही खोल सकता हूँ। एक ये मैंने खोल दिया है, दूसरा भी हाथ से खुल जाएगा, और उसके बाद में ये दो नटों की जरूरत होगी, और इस तरीके से सीट भी हमारी बाहर हो जाएगी। और ये हमारी सीट बाहर। यहाँ पर अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ये लगा है हीरो का कंट्रोलर, और एक और चीज़ इसमें लगी होनी थी वो था इसका कन्वर्टर, पर वो लगा नहीं है 12 वोल्ट कन्वर्टर। वायरिंग लूम आप देख सकते हैं कि वायरिंग लूम यहाँ पर छोटी सी दी हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर ये सब हम खोल देते हैं। ये मेन 12 वोल्ट के हैं, ओके, ये सब इसकी मेन वायरिंग लूम है, तो इन सबको अपन अलग कर देते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं। और इस कंट्रोलर को हम अपने जो हमारे पास में BLDC कंट्रोलर टेस्टर है उसके थ्रू इस कंट्रोलर को भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये कंट्रोलर अभी फ़िलहाल सही है या नहीं, लेकिन वो हमारी आने वाली वीडियोस में। बाढ़ होगी पुराने सभी हमारा निकल गया है, और अब इसको निकालने के लिए इसे नहीं खोलेंगे, ये नहीं खोलेंगे। अभी पहले पैनल निकाल लो। पैनल निकालने से ये होगा कि अपने को और दिख जाएगा साफ सुथरा। और ये पैनल निकालने के लिए कुछ नहीं, ये बस फंसे हुए हैं, कहीं नटवट नहीं है, ये फंसे हुए हैं। ये लॉक है, बस वो लॉक है पैनल। सब कुछ निकल गया है, बस इसको उठा लो। अच्छा ये नट खोलेगा, ये नंबर प्लेट वाला, ये नट खोल दो बस। तो ये हमारा खुल गया है, सब बाहर हो जाएगा। वायर कसा हुआ ठीक है, लॉक का वायर था और ये निकल गया है पूरा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये है एक स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर का मेन फ्रेम, जो कि मुझे इतना बहुत अच्छा तो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत भारी तो नहीं है। ये चीज़ भी खोल देते हैं, ये भी खोल खाल दो। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद में जंग लगा हुआ नट भी निकल गया, और अब ये साइड के दोनों पैनल भी आसानी से निकल जाएंगे। तो ये निकल गए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वायरिंग का इशू आ सकता है हमको, क्योंकि तो इसके वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं खुले हैं थोड़े से। ठीक है, और ये है इसका वायरिंग लूम, इसको भी हम निकाल देते हैं फिलहाल और अलग कर देते हैं। इतना
बड़ा इसका वायरिंग लूम है और इसमें ज़्यादा वायरिंग नहीं होती जितनी कि एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में होती है, उससे बहुत ज़्यादा कम वायरिंग होती है। और ये एक हिस्सा है इसके कंट्रोलर का, तो ये 10 नंबर के नट से इसको भी निकाल के रफा दफा कर देते हैं। ये है इसका कंट्रोलर, इसको भी हम अलग रख देते हैं इधर। एट द एंड ऑफ गाइस, ये जो ताला है निकल गया है। ठीक है साहब, ये ताला कुछ इस तरीके से निकल सकता है गाइस, आपको भी ध्यान रखना है। कभी कोई चीज प्यार मोहब्बत से ना माने तो उसके साथ में क्या करना चाहिए हमें। और अब यहाँ पर सिर्फ एक ये नट लगा हुआ है और उसके बाद में ये चीज़ भी अलग हो जाएगी, ऐसा मैं मान सकता हूँ। बहुत ही प्यार से खुलती है, हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी इसको खुलने में, इतना प्यार से खुल रही है ये। ये दो नट, एक वाला नट खुलेगा और यूनिट खुलने में काफ़ी समस्या मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकती है। हथौड़ी लाऊंगा तो अरे आराम से भाई। और एक तो असल में क्या प्लास भी टूट सकता है ना भाई, यहाँ से हमने थोड़ी सी बिट को ठोका तो बिट का जो कैप थी नट की वो निकल गई है और उसके साथ ही हमारा ये भी निकल गया है अब। लेकिन इसके लिए हमें पहले इसको खोलना पड़ेगा, 12-13 नंबर का। यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ, अच्छा इस नट को हमें बाहर निकाल लिया हमने और उसके बाद में बस बड़ी आसानी से ये चीज़ बाहर आ जाएगी, दोनों बाहर आ जाएंगे और फिर हम चाहें तो इस हैंडल को वापस भी लगा सकते हैं। और अब ये जो है हमारा हैंडल जो है बिल्कुल साइकिल बन गया है, बस ऊपर करके। और अब ये ऑलमोस्ट एक साइकिल की तरह ही है, पहिए थोड़े छोटे हैं बस। अगर हम यहाँ से इसको भी खोल दें तो ये भी आगे का जो हिस्सा है वो भी और छोटा हो जाएगा। और मैंने बोला और अशोक भाई ने पांच पाना उठा ही लिया, तुरंत दान महाकल्याण, ये अशोक भाई की खासियत है। और थोड़ा सा स्लीक हो गया है, अब बस हमारे पास में कुछ एक चीज़ें बची हुई हैं, जैसे ये जो एक कवर होता है गाड़ी का बेसिकली, इसकी वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें जो लिथियम आयन जब हम बैटरी लगाएंगे तो चूंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम बाद में इसका निचला वाला हिस्सा भी ये जो है यहाँ से कट कर देंगे, तो जिससे वो ये होगा कि हमारा ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। बाकी अब ये सिर्फ चीज़ें बची हुई हैं तो इनको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद में सिर्फ इसका एक फ्रेम बच जाएगा और उस फ्रेम को हम तरीके से पेंट डिसाई वगैरह सब करेंगे। बस अब क्या होगा कि ठीक है किया
ब्रेक लगा के देख रहा हूँ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या है? नहीं लग रहा है ही नहीं उसमें ब्रेक शू है ही नहीं, टूट गया क्या? निकाल दिए थे मैंने। अच्छा तभी तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो हीरो मैक्सी जो गाड़ी थी वो लगभग पूरी डिसेंबल हो चुकी है, पहिए को छोड़ के बाकी सब हमने कर लिया और अभी बिल्कुल साइकिल जैसी है। आने वाले वीडियो में हम इसका जो इसकी जो मोटर है और उसका जो कंट्रोलर निकला है, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम चेक करेंगे और फिर उसके बाद में इसका रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सामान निकला हुआ है और इनमें से अधिकतर सामान जो है हम डिस्पोज करने वाले हैं, किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके जो रिप्लेसमेंट हैं वो सब हमें मिलने नहीं वाले हैं। कंपनी बंद हो चुकी है, मतलब कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक चालू है पर ये जो मॉडल है डिसकंटिन्यू हो चुका है और हमने कई सारे जो डीलर हैं वहाँ पर भी पता किया है इसका जो स्पेयर पार्ट्स है वो अब नहीं मिलेंगे, तो मामला हो चुका है बिल्कुल बेकार और इसीलिए हमने इस गाड़ी को पूरी तरीके से डिसेंबल कर दिया है। इस वीडियो में हमारे साथ में थे अशोक गौर जो कि हाई पावर UPS और इन्वर्टर का काम करते हैं और इसमें हमारे साथ में रहे, तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा जिसमें आज हमने फिलहाल इस गाड़ी को डिसेंबल किया। आने वाले वीडियो में हम इसका कंट्रोलर और जैसे मैंने आपको पहले बता चुके हैं बाकी चीज़ों को चेक करेंगे और फिर इसका रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। तो मने नहीं हमारे साथ में देखते रहिए MotorLab EVs। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।